अभी जल्द ही नगर निगम पंचकुला के चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर मैं यहाँ पे पहुँची हूँ सेक्टर 16 वार्ड नंबर 3 में। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि लोगों के क्या राय हैं, जो अभी यहाँ पे क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या क्या सुविधाएं मिली हैं पिछले रहे जो पार्षद हैं उनसे, और आगे जो पार्षद रहेंगे उनसे क्या क्या ये उम्मीदें जताती हैं। तो सर आपका नाम? मेरा नाम भीमसेन मित्तल है, सेक्टर 16 पंचकुला में मैं सीमेंट का कारोबार करता हूँ 35 साल से। तो यहाँ की समस्या ये है कि सेक्टर की डेवलपमेंट तो ठीक हुई है, सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ सेक्टर 16 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु लोगों का जो ये रेडी फड़ी वालों को तंग करते हैं, मैं समझता हूँ कि इनको भी तंग नहीं करना चाहिए। और ये इलेक्शन हो रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि पहले कोई कोर्ट केस बना हुआ था, इसलिए यहाँ कोई काम हुए नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अभी तक कोई काम नहीं, कोई काम नहीं हुआ कुछ भी। तो किस किस चीज़ों की परेशानी आ रही है, क्या क्या काम नहीं हुआ? परेशानी ये है कि जैसे ये कुत्ते यहाँ घूमते हैं सारे दिन मार्केट के अंदर, आवारा ये लड़के बच्चे घूमते हैं, लोगों की गाड़ियों में से सामान निकाल के ले जाते हैं, तो इनका पूरा इंजाम करना चाहिए, इनको सेक्टर 16 की मार्केट को डेवलप करना चाहिए। फिलहाल के लिए यहाँ पर पार्षद भावना गुप्ता थी इनकी यहाँ की। अच्छा। तो वो भावना गुप्ता तो अब यहाँ कभी नजर नहीं आती, और खुद उसका अपना शोरूम है यहाँ पर, शोरूम नंबर 4 सेक्टर 16 में भावना का अपना शोरूम है, पर तो उसके शोरूम के सामने ही देख लो कितना गंद डला हुआ है, उसको खुद ही मालूम होना चाहिए कि सेक्टर का क्या हाल है। आपका नाम? वीरेंद्र कुमार। तो आप सेक्टर 16 में ही यहाँ पे काम करते हैं, मैं जानना चाहूँगी यहाँ पे किन किस सुविधाओं से वंचित है ये जगह? जब कस्टमर हमारे दुकान के अंदर एंटर करते हैं ना जी, तब वो जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं वो कस्टमर की गाड़ियों के साथ चिपक जाते हैं और दरवाज़ा खुद ही खोलने की कोशिश करते हैं ताकि उनको कुछ 2-4 पैसे या पैसे कुछ मिल जाएँ, या नमकीन बिस्कुट कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए, लेकिन कस्टमर को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो कस्टमर कई बार एतराज़ करता है यहाँ पर आने के लिए। तो नगर निगम को ये चाहिए कि यहाँ के जो बच्चे हैं भीख मांगने वाले या उनके पेरेंट्स हैं, इनको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए या इनको किसी आशियाना में शिफ्ट कर दिया जाए। और बात रही टॉयलेट की बात है, तो साफ सफाई करते हैं लेकिन प्रॉपर साफ सफाई नहीं हो पाती है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।